प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मैं जानता हूं आप कम नहीं देंगे सर, इसलिए इतनी छोटी रकम गिनकर मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। गुड, वेरी गुड। तुम्हें बड़ी रकम कमाने का मौका हम बहुत जल्द देंगे, लेकिन बड़े कामों में खतरे भी बड़े होते हैं। पैसा कमाने के लिए मैं अपनी जान पर खेल सकता हूं सर, क्योंकि पैसा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है। जरूरत ही हिम्मत को जन्म देती है और हिम्मत वालों को हम अपनाते हैं। अपने हौसले बुलंद रखो, दौलत के आकाश को जल्द ही छूलोगे। बैठो। थैंक यू सर। आ गया तू? हाँ मां, आ गया मैं। कहाँ रहता है तू इतनी रात रात तक? माँ माँ, मैं क्या करूँ, मेरी नौकरी ही कुछ ऐसी है। ऐसी कौन सी नौकरी है जो तुझे रात को ही करनी पड़ती है? माँ तू नहीं समझेगी, मेरी शिफ्ट ही रात की है। पता है, जब तक तू घर नहीं लौटता मुझे नींद नहीं आती, मैं कितना परेशान रहती हूँ। माँ, जब तक मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर लूँ, अपनी बहन के ससुराल वालों को दहेज की रकम देकर उसे खुशियां नहीं दे दूं, तुम मेरा इंतजार मत किया करो। तुम खाना खाके सो जाया करो। इंसान को नींद तभी आती है जब उसका दिल और दिमाग काबू में हो। मेरा दिल और दिमाग तो काबू में नहीं है, तो भला मैं कैसे सो सकती हूँ बेटा? माँ, तुम्हारा दिल और दिमाग मेरे साथ होता है और मेरा दिल और दिमाग अपनी बहन सुनीता के साथ। माँ, हम तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट ही लेंगे, मगर सुनीता का क्या होगा? उसके लालची ससुराल वाले पैसा नहीं मिलने पर उसकी जिंदगी तानों के तारों से छलनी कर देंगे। माँ, तू क्या समझता है मुझे उसकी फिक्र नहीं है? माँ माँ, मैं जानता हूं मुझसे ज्यादा तुम्हें उसकी फिक्र है, और बहुत जल्द तुम्हारी ये फिक्र मैं खत्म कर दूंगा। महीना खत्म होने में अभी 10 दिन बाकी है माँ। हाँ बेटा, मुझे दिन रात सुनीता की चिंता लगी रहती है। हमें पहले मालूम होता तो ऐसे घर में कभी उसकी शादी नहीं करते। हाँ माँ, मैंने भी वही चाहा जो दुनिया का हर भाई अपनी बहन की खुशहाल जिंदगी के लिए चाहता है, इसीलिए अपने से बड़े लोगों में उसका रिश्ता कर दिया। मुझे क्या मालूम था कि वो मेरी हैसियत से ज्यादा डिमांड कर लेंगे, 2 लाख रुपया एक महीने में। ये कुछ रुपए हैं, इन्हें मिलाकर पूरे 1,30,000 हो जाते हैं। बाकी के पैसों का इंतजाम बहुत जल्दी हो जाएगा, इन्हें अपने पास संभाल कर रख लो माँ। बेटा कहीं तू? ना माँ ना, मैंने तुम्हारे सामने तो दुकान बेची थी, और फिर ये रुपया तो मैं कर्ज लेके आया हूं। भगवान गरीबों को बेटी ना दे, या फिर दान दहेज के इस लालच को दुनिया से उठा ले। तू तो जानती है मां, दुनिया में मेरी एक ही बहन है जो मुझे जान से ज्यादा प्यारी है। उसकी खुशियों के लिए 2 लाख रुपया कुछ नहीं है मां, कुछ नहीं। पता नहीं बेटा, वो ये 2 लाख रुपया लेकर मेरी बेटी को खुश रखेंगे भी या उनकी लालच और बढ़ जाएगी। भगवान पे भरोसा रखो माँ, सब ठीक हो जाएगा। अरिजा, हाथों का दम निकल गया क्या? मौत की नींद आ रही है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। भाई भी दामाद का हक देने को कह के गया था,
10 दिन से लापता है। माँ जी, आप ही ने तो पूरे 1 महीने का टाइम दिया है, अभी 10 दिन बाकी हैं। भैया पूरी कोशिश कर रहे होंगे, 2 लाख की रकम भी तो बहुत बड़ी होती है ना माँ जी। अरीजा, 2 लाख की रकम को बहुत बड़ा कह रही है? 20 लाख मिलते मेरे बेटे को, धंधे में लगाता तो तेरी ही तो अर्थी सजाता। मेरे पास तो मेरे पति का दिया हुआ बहुत कुछ है, मुझे नहीं चाहिए तेरी दमड़ी। अरीजा देख कौन आया है, मेरा बच्चा ही होगा। क्या कर रही थी, मर गई थी क्या? बाहर इतनी देर से बैल बजा रहा हूं, सुनाई नहीं देता? बहरी कमीनी है। माँ जी के पैर दबा रही थी। तो कौन सा एहसान कर रही थी? माँ जी की सेवा करना तेरा धर्म है, समझी? मैंने कब इनकार किया, दिन रात आप लोगों की सेवा में ही तो लगी रहती हूँ। तो जा, ढिंढोरा पीट दे सारी दुनिया में, बता दे सारी सोसाइटी को कि तू हम लोगों की सेवा में लगी रहती है। मैं किसी को क्यों सुनाऊं अपने घर की बात, आपने पूछा इसलिए मैंने बता दिया। जबान चलाती है, कान खोल के सुन ले, तू इस घर की नौकरानी है, मालकिन बनने की कोशिश ना कर। मैं तो आपकी दासी हूँ, हमेशा आपका भला चाहती हूँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, बस इस जहर को पीना छोड़ दीजिए। जहर? खबरदार जो इसे जहर कहा, तो ये तो आज के जमाने का फैशन है। तू तो झोपड़पट्टी में रहती है, तू क्या जाने इसकी कदर। शराब एक ऐसा जहर है जो पीने वालों को ही नहीं बल्कि परिवार के सभी लोगों को तड़पा तड़पा के मारता है। खामोश, मुझे तेरा भाषण नहीं सुनना है, फिर मैं तेरे बाप की नहीं पीटा, समझी? चल। मेरी विनती सुन लो भगवान, मेरे भैया को जल्दी से दौलतमंद बना दो भगवान। अरे भाई भैया, आप यहाँ बैठे, मैं सारा गोपाल ढूंढ के आ रहा हूँ, क्या कर रहे हैं आप? अपनी खुशियों का सूरज डूबते हुए देख रहा हूँ। अरे आपकी खुशियों का सूरज तो अब निकलने वाला है भाई भैया। क्या मतलब? बॉस ने आपको अर्जेंट बुलाया है, लगता है कोई बहुत बड़ा वाला काम देने वाले हैं आपको। सच? एकदम सच, झूठ तो मैं बोलता नहीं हूँ। एक बार मैंने झूठ बोला था तो आपकी भाभी साहिबा अल्लाह को प्यारी हो गई, तब से भैया मेरे कान पकड़ लिए। बहुत बड़े वाले हो तुम, चलो। छोटे ही बड़े बनते हैं, आज VIP भोपाल आने वाले हैं। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है, तुम्हें हमारा माल गोविंद नगर पहुंचाना है। इस काम के हम तुम्हें मुंह मांगे दाम देंगे, बोलो तुम्हें कितना चाहिए? सर मुझे 70,000 चाहिए। 1 लाख क्यों नहीं? मेरी जरूरत सिर्फ 70,000 की है सर। ठीक है, पैसा और वैन की चाबी माइकल से ले लो। थैंक यू सर। मुझे तो बड़ा डर लग रहा यार। जो डर गया वो मर गया, पीने के लिए हिम्मत की जरूरत है दोस्त, हिम्मत की। चप्पे चप्पे पे पुलिस, CID और CBI का पैरा है, सख्ती से चेकिंग चल रही है। ड्रग्स, शराब, लगी दवाइयाँ एक साथ पकड़े जाने पर जिंदगी दांव पे लग जाएगी, आखिरी सांस तक चक्की पीसनी पड़ेगी और जीवन नर्क बन के रह जाएगा दोस्त। जीवन जलने का नाम और गरीब जले सुबह शाम, अब जलने के लिए जेल रूपी नरक मिले या खुश नसीबी से जन्नत, लेकिन
अपन को यह सुनहरी मौका हाथ से खोना नहीं है दोस्त। वक्त पे अगर बहन के ससुराल वालों को जहेज का पैसा नहीं मिला तो वो मेरी प्यारी बहन की जिंदगी में जहर घोल देंगे, और मैं क्या दुनिया का हर भाई अपनी बहन की खुशियों के लिए अपना सब कुछ लुटा सकता है। आज मैं भी अपनी बहन की खुशियों के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा रहा हूं, और अपने ही समाज के खून में जहर घोल रहा हूं। धिक्कार है मुझ पर, लेकिन मैं और क्या करूं? इसी समाज की खोखली रस्म ने ही तो मुझ जैसे ईमानदार आदमी को बेईमान बना दिया। ना मेरे बहन के ससुराल वाले मुझ जैसे गरीब इंसान से इतनी बड़ी रकम की डिमांड करते, और ना मैं इन गलत रास्तों से अपनी बहन की खुशियों के लिए ये पैसे कमाने की कोशिश करता। मैं जानता हूं मैं कि आज बॉस मुंह मांगी रकम इसलिए दे रहे हैं कि पुलिस की बीच में से माल ले जाना जान जोखिम में डालने वाली बात है। जोखिम? जानबूझकर आग में कूदना, सांप के बिल में हाथ डालना और पुलिस के सामने स्मगलिंग करना आत्महत्या है, और आत्महत्या करना पाप है दोस्त। चेकिंग तो 100% होगी और अपन मर जाए। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, अरे मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। ए, ए। नहीं क्या हुआ? तुम सब पूछ रहा हूँ टाइम क्या हुआ? भाव खाता है क्या? मेरे पास पास घड़ियाँ पड़ी है, पता नहीं क्या समझता है। अरे अरे बाबा, हमारे हाथ में घड़ी तो थी, टाइम बता देते तो क्या हो जाता? झगड़ा हो जाता? वो समझते हो मैं उसकी नकल मार रहा हूँ? मारते मुझे? वाकई में झगड़ा हो जाता। अच्छा दोस्त, टाइम हो गया। ऑल द बेस्ट। मैं निकलता हूँ, मैं बटवारे के रास्ते से निकल रहा हूँ पुलिस को चारा डालते हुए। तुम जल्दी पहुँचो और माल को इसमें तैयार रखना। बाय। नाम? जितेंद्र। बाप का नाम? धर्मेंद्र। और दादा? राजेंद्र। खानदानी एक तरह लगते हो, रहते कहाँ? माता मंदिर। जाना कहाँ है? काली मंदिर। पंडित हो? पुजारी। कहा के? हुस्न। हुस्न? हुस्न? तोड़ बोले, बाघ मारे, गाड़ी की तलाशी लो। साहब, साहब, आपको आतंकवादी दिखाई? अहिंसावादी भी तो नहीं लगते। अच्छा ये बताइए, ये शॉर्टकट छोड़कर आप लॉन्ग कट के रास्ते से क्यों जा रहे थे? ये रास्ता खाली मिलता है साहब, और मुझे थोड़ी जल्दी पहुंचना है। जल्दी जल्दी क्यों साहब? मैं यतीम खाने के छोटे छोटे बच्चों के लिए उनका दोपहर का लंच लेकर जा रहा हूँ। आपकी इस जगह जगह की चेकिंग से शाम होने आ रही है, सोचिए यतीम खाने के छोटे छोटे बच्चे भूखे होंगे। साहब लाइसेंस है? गाड़ी के कागजात? गाड़ी में। गाड़ी कब खरीदी? साहब हमारे ऐसे भाग्य का, हम तो नौकरी पेशा आदमी हैं, नौकरी करते हैं, ड्राइवरी करते हैं साहब। तो
तो ड्राइवर हो पर तेवर मालिक हो, जैसे जल्दी मालिक बन जाओगे। अरे साहब आपके मुंह में बनारस की बर्फी। साहब मालिक बना तो सबसे पहले मैं आपके लिए रामपुर का हबशी हलवा लेकर आऊंगा और तब तो आप भी डीएसपी की वर्दी में होंगे। लेकिन भूलोगे तो नहीं? अरे नहीं साहब, सब गाड़ी में ब्रेड है, अब आप जा सकते हैं। अरे साहब साहब एक मेहरबानी और करिए। बोलो, यतीम खाने के छोटे छोटे बच्चे भूखे हों, सुबह से ये मेरी 10वीं चेकिंग है और ना जाने कितनी चेकिंगें होंगी। आप बड़े साहब हैं, आप अगर मुझे लिख कर दे देंगे तो मुझे कोई नहीं रोकेगा। साहब साहब सोचिए, यतीम खाने के बच्चे खाना खाएंगे और आपको दुआएं देंगे और फिर आपकी तरक्की होगी। डीएसपी एसपी आईजी कमिश्नर जरूर लिख के दूंगा। इंस्पेक्टर घबराहट सिंह का लिखा हुआ तो कमिश्नर साहब भी नहीं डाल सकते क्योंकि मैं उनका चढ़ा हूं। हवलदार कलम कागज लाओ। आइए। धन्यवाद। शराब और उसके ऊपर डबल रोटी के बॉक्सेस रख दिए। सब संभाल के रख दिए ना? एकदम संभाल के। माल अच्छी तरह पैक है? हाँ, बॉस का कहना है कि शराब की डिलीवरी पहले देनी है। शाम को पार्टी है और वीआईपीज के आने की वजह से शहर में ड्राई डे है। ठीक है, बॉस से कहना कि मैं पहले शराब, उसके बाद दवाएं और फिर ड्रग्स की डिलीवरी देता हो जाऊंगा। ओके। जीतू अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल तो दुनिया रखती है दोस्त, मैं तो बहुत अपनों का ख्याल रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा हूं। मेरा ख्याल तो सबका ख्याल रखने वाला रहेगा। ऑल द बेस्ट।
सुनीता, सुनीता, अरे अरे पगली, रो क्यों रही है? बता तो सही क्या हुआ? भैया उनकी हालत बहुत खराब है। क्या हुआ बहन? क्या हुआ? कैसे? क्या बीमारी है? भैया कल वो गोविंद नगर होटल में गए थे पार्टी में, मैं रात भर इंतजार करती रही। सुबह जब वो आए तो बेसुध थे, डॉक्टर को दिखाया, दवा खाने के बाद हालत और बिगड़ गई। भैया भैया, डॉक्टर डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कहता है एक नहीं ऐसे कई केस आए हैं, उस पार्टी में जितने लोगों ने शराब पी सबकी हालत ऐसी हो गई, दवा लेने के बाद हालत और बिगड़ती चली गई। दवा कहाँ से ली थी? गोविंद नगर से। ओ माय गॉड, डॉक्टर साहब अब कैसी हालत है पेशेंट? पेशेंट की हालत तो बहुत सीरियस है डॉक्टर साहब, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, वो मेरी बहन की जिंदगी है डॉक्टर साहब। देखिए दवा की बदल जाए, जहर क्या है आपके जीजा ने? जहर? जी हाँ, दवा नहीं जहर ही था, जहर ऐसा जहर जो आदमी को हमेशा के लिए गहरी नींद सुला देता है। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, उसे बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर साहब, उसे बचा लीजिए। इसे क्या हुआ? ये हरकत क्यों नहीं कर रहा? जवाब दो डॉक्टर। I'm sorry, you're wrong. मर गया, ये मर गया डॉक्टर, मैंने इसकी जान ली है डॉक्टर, मैं जिस दिए से अपने बहन का घर रोशन करना चाह रहा था उसी दिए से मैंने अपने बहन का घर चला दिया, ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, क्या किया? रोटी कमाने की कोशिश करता और ना मेरी बहन विधवा होती। लीजिए लीजिए, इन पैसों से मैं अपनी बहन की खुशियां तो नहीं खरीद सका, लेकिन शायद शायद ये पैसे आपके बेटे के अंतिम संस्कार के काम आ सके। लेकिन जमाना ये तो कह सकेगा कि दुनिया में ऐसा भाई है जिसने अपनी बहन का सुहाग उजाड़ दिया? अरे कोई है कोई ऐसा भाई जिसने अपनी बहन की जिंदगी में जहर घोल दिया?